किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ये मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। योद्धा हूं, ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। इश्क जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए, वो इश्क भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए, वो इश्क जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए, वो इश्क। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं, हमसे मोहब्बत जरूर की है पर हमसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं, तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी और काशी हमारी ताकत। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या बेटा। आप कोशिश कीजिए हमें उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। बचपन से लोग हमें कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो मस्तानी। आज पहली बार एहसास हो, आप जैसी औरत भी इस रूप से डरती है ये जानकर खुद पे गुरूर हो। पान खा लीजिएगा वरना हम बिन बात बदनाम हो जाएंगे। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। आज यहां आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दे। योद्धा कौन? जो किसी से नहीं डरता, खुद पे भरोसा, मतलब जीत का पैगाम, और डर हार का दूसरा नाम। कैसे योद्धा बनोगे तुम? पेशवा बाजीराव बल्लार जैसा। खुदा हाफिज़।